पहाड़ में कुदरत की दहाड़। देश विदेश से लाखों की संख्या में जिस मनाली में घूमने आते हैं सैलानी, वहाँ की ये तस्वीर है। मनाली में बादल फटने से बाढ़ आ गई, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। मनाली प्रशासन राहत कार्य में जुटा है। प्रशासन नुकसान का आकलन भी कर रहा है। रात में करीब 1 बज रहे थे, पूरा मनाली सो रहा था, तभी जोरदार आवाज आई। आवाज बादल फटने की थी। लोग उठकर सुरक्षित स्थानों पर भागे। देखिए मलबा कैसे सड़क पर बिखरा पड़ा है। बादल फटने से अंजनी महादेव और आखिरी नाले में बाढ़ आ गई। बाढ़ आने से पलचान, रुआड और कुलंग गांव में अफरा तफरी मच गई। नदी से आ रही भयंकर आवाज से हर कोई सहम उठा है। बाढ़ से पलचान में 2 घर बह गए, जबकि 1 घर को आंशिक नुकसान पहुंचा है। मनाली लेह राष्ट्रीय राजमार्ग भी बंद करना पड़ा। अब आपको हिमाचल प्रदेश से देश के दूसरे पहाड़ी राज्य उत्तराखंड लिए चलते हैं, जहां पिथौरागढ़ में पत्थर गिरने से रास्ता बंद हो गया। एबीपी न्यूज के पास पत्थर गिरने का वीडियो भी मौजूद है। देखिए कैसे ये पत्थर नीचे गिरते हुए तबाही को लेकर आ रहा है। केदार घाटी में भी रुक रुक कर बारिश हो रही है। बारिश की वजह से केदारनाथ हाईवे पर पाटा के करीब डोलिया देवी में मलबा आ गया, जिससे हाईवे को बंद करना पड़ा। हाईवे पर फंसे यात्रियों को सुरक्षित जगहों पर रोका गया है। प्रशासन ने केदारनाथ आने वाले यात्रियों को मौसम साफ होने तक इंतजार के लिए कहा है। ऐसी ही तस्वीरें जोशीमठ से भी आई है। भारी बारिश से मलारी राष्ट्रीय राजमार्ग को बंद करना पड़ा, क्योंकि गणेशपुर के पास लाल बाजार में सड़क ही बह गई। बीआरओ कर्मी हाईवे को खोलने के अभियान में जुटे हैं। सड़क बंद है तो वाहनों की लंबी लंबी कतार लग गई है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश देश के वो राज्य हैं जहां पर्यटक सबसे ज्यादा आते हैं। इसीलिए जरूरी है कि जो भी पर्यटक इन राज्यों में आने की प्लानिंग कर रहे हो, एक बार मौसम का अपडेट जरूर ले लें।